नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आधी रात को राहुल गांधी निकलेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। दर्द है, दुख है, एक दर्द दुख प्रधानमंत्री को भी, उन्होंने उपवास किया। हर दुख के मद्देनजर आज हम खबरों के जरिए निदान बताने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इस देश के भीतर के उस दर्द को दिखाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे उपवास और ऐसे कैंडल मार्च से कुछ होता नहीं है। लेकिन पहले आठ तस्वीर। इन आठ तस्वीरों के जरिए देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो एससी एसटी एक्ट को लेकर सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट फिर सोचे, दरख्वास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरी तस्वीर, फैसला कल आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है, आरोपी बलात्कार के हैं, विधायक हैं। हटाए गए विनोद राय, बैंकिंग बोर्ड के चेयरमैन थे जो हटा दिए गए हैं अब, और डीओपीटी के बीपी शर्मा को बना दिया गया है। सिद्धू की मुसीबत बड़ी है, रोड रेस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कैप्टन ने कहा हम समर्थन करते हैं, मामला चलते रहना चाहिए और इसमें जो सजा होगी वह भी ठीक है। मुसीबत बढ़ चुकी है। दिव्यांगों को झटका है क्योंकि सरकार की तरफ से अब मुख्तार अंसारी ने कह दिया है बहुत साफ तौर पर, मुख्तार अब्बास अंसारी ने, कि नकवी साहब ने कह दिया है कि जो दिव्यांग होते हैं वो हज नहीं करेंगे। तो नकवी साहब ने ये पहली बार कहा है और ये जाहिर है दिव्यांगों के हित की सरकार, और वो हज पे नहीं जाएंगे, इसके मतलब समझाए जाएंगे। गिरफ्तारी कब, हांगकांग से दरअसल भारत सरकार ने कहा है नीरव मोदी को गिरफ्तार करो, मतलब मायने क्या है समझेंगे। महंगाई दर घटी है सब्जी को ले मद्देनजर, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी बात है। और आठवीं खबर और अच्छी है, नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं श्रीकांत, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्रकाश पादुकोण एक वक्त हुआ करते थे और अब श्रीकांत है। लेकिन आइए शुरुआत कहां से की जाए। शुरुआत हम करते हैं दरअसल ठसक क्या होती है, हनक क्या होती है। ये हनक और ठसक विधायक की नहीं, एक वीडियो की है, बरेली के वीडियो है। पहुंचा एक शख्स उनके पास, उसने जो कहा वो हम बताते चलते हैं, लेकिन इसको देखते भी रहिए आप। बोनट पे बैठाया और फिर 4 किलोमीटर तक घुमाया, ये एक हनक है। शौचालय की दूसरी किस्त लेने गए थे 6,000 रुपए की, वीडियो बोले 2,000 काट लेंगे। इस शख्स ने बोला क्यों काट लेंगे आप, उसके बाद फिर जीप चढ़ाने की स्थिति में आ गई, ये बोनट पे चढ़ गया और 4 किलोमीटर तक चलते रहा। केस दोनों के ऊपर हो गया है, वीडियो दलित है, उन्होंने दलित उत्पीड़न का केस किया, दूसरी तरफ धर्मपाल उसने करप्शन का केस किया है। हमें लगता है कि यह हिंदुस्तान के दुरुस्त इलाकों में चलते हैं, जैसे आपको लिए चलते हैं हम विदर्भ के इलाके में। प्रधानमंत्री मोदी को इस देश में मजदूर किसान जानने लगा है, और जानने लगा है तभी तो खुदकुशी करता है, तो अब खुदकुशी के पत्र में भी जिक्र कर देता है, प्रधानमंत्री जी मैं खुदकुशी कर रहा हूं। इस रिपोर्ट को देखिए। इस सुसाइड नोट पर गौर कीजिए, यह सुसाइड नोट महाराष्ट्र के यवतमाल के किसान शंकर भाऊराव चायरे का है। मराठी में लिखा है, पढ़ना मुश्किल होगा, लिखावट अच्छी नहीं है, पर कुछ नाम तो आप पढ़ सकते हैं, मसलन नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, हंसराज अहीर जी। जो व्यक्ति मौत के मुंह में समाने जा रहा है, खुदकुशी करने जा रहा है, उसकी जुबां पर भी यही नाम। और फसल बेचने में फंसी रकम के बाद, कर्ज माफी ना होने के बाद, या कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद अगर आत्महत्या कर रहा है और इनामों को लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है। लिखा है बहुत साफ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज का बोझ है, इसीलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। विचार ही नहीं किया आत्महत्या करते, निर्व्यसनी घर मध्य को शोक नहीं, अच्छा माणूस आत्महत्या करत हा, आम्हाला एक आश्चर्य वाटत आहे किंवा या माणूस या टोकाला जात आहे, आणि त्याने त्या सोबत लिहिलेलं आहे किंवा नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार राहील, असं या सुशिक्षित माणूस लिहून ठेवत आहे, त्यासाठी सर्व जबाबदारी। कपास की खेती के लिए शंकर भाऊराव ने सहकारी समिति से 90,000 रुपए और निजी स्तर पर 3,00,000 रुपए का कर्ज लिया। लेकिन शंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार इसीलिए ठहरा दिया क्योंकि किसानों के हित अहित के मद्देनजर सारे दावे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और हर किसान के कानों में एक ही नाम गूंजता है, प्रधानमंत्री मोदी जो राहत दिलाएंगे। तो फिर नाम लिख दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था, हमारे देश के किसान ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। और अजीब विडंबना है, जिस वक्त मोदी संसद ठप होने के विरोध में उपवास पर थे, उसी वक्त
भाऊराव का पूरा परिवार रो रोकर बुरे हाल में था। पत्नी, तीन बेटियां, एक बेटे को पता नहीं आने वाले दिनों में 2 जून की रोटी नसीब होगी या नहीं, या फिर उपवास के आश्रय ही जिंदगी गुजर बसर होगी। कर्जामुळे हत्या केली बघ, सर्वांचं कर्ज फिटलं नाही आणि देणं दुणं कोणाचं झालं नाही। दुर्भाग्य से किसान की मौत पर किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने उपवास कभी नहीं किया। ऐसे में शंकर भाऊराव की मौत फकत आंकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं, ये अलग बात है। पहली बार किसान ने सुसाइड नोट में प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया है। इतने किसानों की जाने और नरेंद्र मोदी और फडणवीस सरकार को चाहिए। एक पहला किसान नहीं, ये दूसरा किसान है जिसने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखकर आत्महत्या किया है, सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या किया है। और सिर्फ एक किसान क्यों, 5 दिन पहले ही पालघर के हटेरी गांव में धानजी विका ने कर्ज के बोझ के चलते परिवार समेत खुदकुशी कर ली। और विडंबना देखिए, धानजी पर भी कर्ज था सिर्फ 42,207 रुपए, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। तो सवाल, क्या कर्ज माफी की योजना फेल हो रही है? सरकार को कर्ज माफी के ऐलान के बाद उसका क्रियान्वयन समझ नहीं आ रहा। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पिछले बरस ही जून में कर्ज माफी के ऐलान के बाद भी 1,753 किसान खुदकुशी कर चुके हैं और आंकड़ा धीरे धीरे 2,000 पार भी कर जाएगा। तो इसे क्या माना जाए कि एक तरफ अगर उपवास हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों के हित का जिक्र हो रहा है, तीसरी तरफ कर्ज माफी का ऐलान हो रहा है और चौथी तरफ कोई खुदकुशी कर रहा है? यही सच है। सच यह इसलिए क्योंकि अब महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर 1 जून से सड़क पर उतरने की तैयारी में। 1 जून जो ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन महाराष्ट्र के किसान एक साल पहले स्ट्राइक पे गए थे, उसी दिन एक वर्ष की सालगिरह के मुद्दे पे 1 जून को पूरे महाराष्ट्र में हर सरकारी कार्यालय को घेराव करके हजारों की तादाद में किसान उतरेंगे। राजीव गांधी कहते रहे रुपया दिल्ली से निकलेगा, 15 पैसा पहुंचेगा, बड़ा शोर हुआ। लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं कहा दिल्ली में नीतियां बनेंगी, उन नीतियों का क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है और गांव पहुंचते पहुंचते सारी नीतियां हाफने क्यों लगती है। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान का सच 21वीं सदी का खुदकुशी करना ही है। ये ऐसा सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है कि हिंदुस्तान 21वीं सदी को कैसे जी रहा है। जी नहीं, मर रहा है। क्योंकि सरकार के ही आंकड़े कहते हैं बीते 15 बरस में देश के 2,34,642 किसानों ने खुदकुशी कर ली। तो फिर 21वीं सदी के पहले 15 बरस में 1,44,971 बेरोजगारों ने भी खुदकुशी कर ली। तो जो उपवास के आश्रय या उपवास को उपहास बनाने के आश्रय गर्व कर रहे हैं, उनकी सत्ता बेहतर है या बेहतर थी या बेहतर होगी, वो पहले बरस दर बरस खुदकुशी के आंकड़े देख रहे हैं। NCRB का ये आंकड़े बेहद साफ बताते हैं कि देश में सरकार किसी की भी रही हो या फिर किसी की भी हो, किसानों के दर्द को कोई राहत नहीं और खुदकुशी देश का सच बन चुकी है। जिन पर कभी कर्जा माफ या राहत के किसी ऐलान का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि किसानों के समानांतर बेरोजगारों की जितनी बड़ी तादाद हर बरस खुदकुशी कर रही है, वह भी NCRB के ही आंकड़ों का सच। यानी सत्ता, सियासत या राजनीति की तिकड़मों में देश को कैसे फंसाया जा रहा है और देश कैसे फंस रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी कैसे सिर्फ राजनीति साधने के लिए बन चुकी है, वह देश के छात्रों की खुदकुशी से भी समझ लीजिए। क्योंकि अब जो स्क्रीन पर चल रहा है वो 21वीं सदी के पहले 15 बरस में देश के उन छात्रों की खुदकुशी के आंकड़े, जिनके आश्रय हर सत्ता सरकार ही नहीं, माँ बाप ने भी सोचा होगा कल बच्चों के कंधे पर देश का भविष्य होगा, नौनिहाल आगे बढ़ेगा। पर 15 बरस में तो 99,756 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। और सच यही कि देश में हर घंटे एक छात्र खुदकुशी कर रहा है। तो युवा भारत या जय जवान जय किसान का नारा लगाने से होगा क्या?
और किस सत्ता को नाच कि वह यह कह दे कि उसके दौर में हालात ठीक हो गए, या फिर उसके पास कोई ऐसी दृष्टि है जिसके आश्रय आने वाले वक्त में मास्टर स्ट्रोक में हम इस तरह के खुदकुशी के आंकड़े ना दिखाने पड़े। क्या कोई कह सकता है? इंतजार तो हमें भी है। यह सत्ता नहीं तो वो सत्ता चलेगी, वो सत्ता नहीं तो फिर यह सत्ता चलेगी, और यह सत्ता नहीं तो फिर वो सत्ता चलेगी, और इस आश्रय 2019 का इंतजार समूचा देश कर रहा है। क्या इसके आश्रय कहा जा सकता है? किसी के पास वैकल्पिक राजनीति है, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की सोच है, ये सोच है कि हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में नई पीढ़ी किस दिशा में आगे बढ़े? शिक्षा को लेकर कोई सोच है? मेडिकल सिस्टम को लेकर कोई सोच है? ये ऐसे सवाल हैं, सोच का जिक्र नहीं कर पाते और हम बार बार उन खबरों पर लौट आते हैं जिस दौर को जी रहे हैं। उन खबरों के मद्देनजर हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखलाते हैं। बैंक फ्रॉड के मद्देनजर चेयरमैन तो बदल दिया गया बैंकिंग बोर्ड का। एक दूसरी स्थिति दिखलाते हैं, नोटबंदी के वक्त क्या जिक्र हुआ, और आज हमारे संवाददाता लेकर आए यह भी खेल देख लिया, यह भी होता रहा। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इससे ताकत मिलने वाली है। तो नोटबंदी करते वक्त प्रधानमंत्री का दावा तो यही था कि इससे काला धन पकड़ में आएगा, लेकिन अब जरा इस रकम को गौर से देख लीजिए। ये रकम है 250 करोड़ रुपए की, और ये वो रकम जो नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, खुर्जा और सहारनपुर जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद शहरों में कुछ बैंकों में खाता धारकों ने फर्जी खाते या फर्जी कंपनियों के जरिए जमा कराए और फिर सोना खरीद कर या दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर पतली गली से निकल गए। कैसे होता है ये सब, आइए जरा इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि नोटबंदी के दौर के बाद प्रधानमंत्री के मकसद को धता बताने वालों ने बड़ी चालाकी से फर्जी कागजों के आधार पर बैंक अकाउंट भी खोले और फर्जी कंपनियां भी बनाई। ये सब कैसे हुआ, इसे जानने समझने के लिए पहले आप मिलिए रामचरण से। जी, ये रामचरण है, पेशे से पेंटर। नोटबंदी के दौरान ही एवीपी ने खुलासा किया था कि रामचरण के खाते में जालसाजों ने 40 करोड़ रुपए जमा कराए, और हद यह कि एक्सिस बैंक के जिस खाते में रकम जमा कराई गई वो खाता इन्होंने कभी खोला ही नहीं था। आईटीओ के पास झुग्गी में रहने वाले रामचरण को बिंगल्स मार्केटिंग नाम की फर्जी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया था और खाते में डाल दिए गए 40 करोड़ रुपए। आप एक्सिस बैंक में कोई ऐसा खाता है जिसमें 40 करोड़ रुपए? नहीं सर, आई जो है कि वो इनकम टैक्स वाले जब जो है कि जब ही पता लगा, इससे पहले नहीं, अभी परसों तरसों पता लगा है। उन्होंने बताया बीगल मार्केटिंग कंपनी के जो है कि मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, मुझे पता नहीं डायरेक्टर क्या होता है। जिन बोगस कंपनियों के करंट अकाउंट के जरिए 40 करोड़ रुपए का काला धन सफेद किया गया था, उन कंपनियों का एक डायरेक्टर आईटीओ की अन्ना नगर की झुग्गियों में रहता था। उस वक्त एक्सिस बैंक के दो मैनेजरों की गिरफ्तारी से ये खुलासा हो गया था, लेकिन सच यह है ऐसे कई रामचरण हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बैंक खाते फर्जी नामों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनाए गए, और हद तो यह जिन बैंक खातों के जरिए सोने की खरीद हुई वहां भी फर्जी दस्तावेज ही दिए गए, और आयकर विभाग पड़ताल करते हुए जब कई ज्वेलर्स तक के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने वही कागजात दिखा दिए जिनके आधार पर बैंक खाते खोले गए। फर्जी कंपनियों के मकड़जाल की जांच अभी भी जारी है। आज भी अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जिनके असली मालिकों का पता जांच एजेंसियां नहीं लगा पाई हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियों के अधिकारी इन कंपनियों के बारे में कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। और आलम तो यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के दौरान 250 करोड़ से ज्यादा रकम जमा करने वालों का आयकर विभाग ने 15 महीने तक लगातार जांच भी किया, और आयकर विभाग ने 6000 बैंक खातों और 600 से ज्यादा कंपनियों की पूरी पड़ताल भी की, पर उसकी हथेली खाली रही। तो सवाल यही, नोटबंदी के दौर में काले धन के खिलाड़ियों ने अपना काम कर लिया और परेशानी सिर्फ आम आदमी को हुई, क्योंकि सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा, सहारनपुर में तकरीबन 4000 खाते पकड़े गए जिनके मालिकों का आता पता नहीं। तो जरा कल्पना कीजिए देश में ऐसे कितने खाते होंगे, और फिर सोचना शुरू कीजिए कि इस तरह की रकम फर्जीवाड़े के जरिए सफेद कर कैसे लोग कहां चंपत हो गए। सरकार को कुछ भी नहीं पता। एबीपी न्यूज के लिए ओम प्रकाश तिवारी। सरकार का जिक्र बार बार कर ही देते हैं हम अपनी रिपोर्ट में, लेकिन सरकार के समानांतर सरकार के भीतर की एक सरकार भी होती है, इसका जिक्र कभी सुना है आपने? हम आपको हरियाणा लिए चल रहे हैं, क्योंकि सरकार निकालती है नियुक्ति के लिए कुछ पद, सरकार के भीतर की सरकार कहती है नियुक्ति चाहिए, पैसा दीजिए तभी भर्ती करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए, ड्राइवर के लिए 3 लाख से 4 लाख, क्लर्क के लिए 4 लाख से 5 लाख,
क्लर्क जनरल कैटेगरी में 10 लाख, ग्रीड ऑपरेटर 6 लाख, टाइपिंग टेस्ट 7 लाख, कंडक्टर भर्ती 3 लाख जी। ये बोली है, रकम है, जो समझना है समझ लीजिए। पर हरियाणा में काबिल नौजवानों के लिए ये लिस्ट ही सब कुछ है, क्योंकि हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए इतनी रकम तो आपको देनी होगी। तय कर दी गई है रकम, और खट्टर सरकार के अपने ही कर्मचारी इन रकम को तय कर रहे हैं, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में बैठकर सीएम की नाक के नीचे अपनी सरकार चलाते हैं। समानांतर सरकार, निशाने पर ग्रुप सी और डी के अभ्यर्थी होते हैं। गिरोह के तार हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड से लेकर सचिवालय तक फैले। पुलिस के मुताबिक अनिल कुमार और उसके सहयोगी मेरिट में आए लोगों के नंबर देख लिया करते थे। जो शख्स पास हो रहा होता था उसका पता और साथ ही फोन नंबर निकाल लिया जाता था और वो दलालों को दे दिया जाता था। दलाल उस शख्स को फोन करते और ये कहते कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी एवज में वो लाखों रुपए की डिमांड किया करते थे। और इस मामले में पुलिस ने हालांकि 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला नाम अनिल कुमार का है, जो बोर्ड में स्थापना शाखा में सहायक की भूमिका में था। दूसरा नाम सुभाष शर्मा का, जो सीक्रेट ब्रांच में सुपरिटेंडेंट था। सुखविंदर और रोहताश नाम के असिस्टेंट भी इसमें शामिल थे। आईटी एनालिस्ट पुनीत और हरियाणा सचिवालय में तैनात सुरेंद्र भी इस गिरोह में शामिल थे। बलवान शर्मा और धर्मेंद्र नाम के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो हरियाणा सरकार में मैन पावर सप्लाई करते हैं। पुनीत, क्योंकि वो आईटी सेल में काम कर रहा था, वो धर्मेंद्र को पास ऑन करता था, जो कि मैन पावर सप्लायर है। धर्मेंद्र का आगे 3 और व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि आगे अपने और सोर्सेज को, किसी का सोनीपत में, जींद में, कि जी ये लड़का जहाँ का उसका एड्रेस है वहाँ पे अपने किसी दोस्त को बोलता था कि ये फलाने का सिलेक्शन में करवा सकता हूँ, तो उसको कंड्यूट में लेके आते थे। तो हर कोई सरकार से जुड़ा रहा, हर कोई सरकार के नीचे अपनी सरकार चलाता रहा, हर कोई नौकरी बेचने की स्थिति में था। जिसने पैसे दिए वो सरकारी नौकर बना दिया गया, जो नहीं दे पाया उसकी सीट किसी दूसरे को बेच दी गई। यह भी समझ लीजिए, हमारे इंटरव्यू गलत रोल नंबर पर, हमारा इंटरव्यू ये पहले उसी गलत रोल नंबर पर हमारा थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर करवाते हैं जी। धांधली बिल्कुल की गई, हमारे रोल नंबर की जगह किसी और रोल नंबर का डाटा सारा इनके सिस्टम में है, किसी और स्टूडेंट का। हमारे रोल नंबर पे कोई और स्टूडेंट को बुलाया गया था सर। तो मैंने पैसे नहीं दिए इसलिए मैं उस टेस्ट में फेल कर दिया गया। मैं वहीं बैठा था और मैं जिन्होंने पैसे दिए उन मेंबरों को पास कर रहे थे। सब कुछ सामने है और सरकार के पास कहने के लिए वही रटा रटाया बयान है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि सरकार के भीतर कैसे सरकार चलती है, और सरकार चलाने वाले जब नौकरियां बेच रहे हैं तो फिर कौन सी कमेटी बैठेगी और किसे नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती है। कैनो से रविश पांडे के साथ विवेक शर्मा, एबीपी न्यूज पंचकुला। मास्टर स्ट्रोक में अब जिक्र दबंगई का है, मास्टर स्ट्रोक में जिक्र अब टूटती उम्मीदों का है, और मास्टर स्ट्रोक में जिक्र इस बात का है कि जिस दबंग के आसरे क्या तमाम इंस्टीट्यूशंस भी लग रहा है छोटे पड़ गए हैं। तस्वीर हम आपको एक दिखलाते हैं, क्योंकि जिक्र एसआईटी का है, एसआईटी रिपोर्ट सौंपती है, कुछ नहीं होता। सीबीआई ने कुछ देर पहले कहा है ठीक है हम जांच करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला कल देगा। लेकिन इन सब के मद्देनजर एक सवाल हर जहन में उठ रहा होगा कि हिंदुस्तान में रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक रेप को लेकर अब जब तमाम परतें खुलनी शुरू हुई है, तो हम आपको एक पहली रिपोर्ट दिखलाते हैं, बीते 10 बरस का सच क्या कहता है। बलात्कार का यह अनूठा सच कि बीते 10 बरस में, या कहें बरस दर बरस, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली गई। इन 10 वर्षों में यूपी में 3 गुना बलात्कार बढ़ गया, तो देश में 2 गुना बलात्कार की मामले दर्ज होने लगे। और इन दर्ज बलात्कारों के अक्स में यह भी साफ कर लें कि 90% मामलों में बलात्कार पीड़िता ने बलात्कारी का नाम बताया, 95% मामलों में बलात्कारी पीड़िता को पहले से जानता था, पर औसतन सिर्फ 23% बलात्कारियों को ही सजा हुई, यानी 77% आरोपी बलात्कारी छूट गए। और इन हालातों के बीच जब उन्नाव की बलात्कार पीड़िता ने ही विधायक का नाम लिया, तो फिर यह 95% में ही शामिल हो गई, जो बलात्कारी को पहले से जानती है, पहचानती है, नाम ले रही है। तो पीड़िता ने नाम बताया पर एफआईआर में नाम नहीं आया, तो विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर पॉस्को धारा लगा दी गई जो गैर जमानती होती है, पर गिरफ्तारी नहीं हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया, योगी सरकार से जवाब मांगा पर गिरफ्तारी नहीं हुई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा पर गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी किए बिना यूपी सरकार ने ही मामले को सीबीआई को खुद ही सौंपने का मन बना लिया पर गिरफ्तार किया नहीं, और यूपी के गृह सचिव से लेकर पुलिस प्रमुख ने कहा गिरफ्तार हम नहीं सीबीआई करेगी। आरोप की जांच उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उसे उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना। तो ये सुनने के बाद यूपी की जिस भी महिला को लगता होगा उसके साथ कोई बलात्कार कर सकता है तो उसकी तो रूह कांप रही होगी कि अब तो इंसाफ मिलेगा कैसे, और कोई बलात्कारी एक बार फिर बलात्कार करने की सोच रहा होगा तो उसे लगता होगा पुलिस प्रशासन कानून के सामने अब विधायक सेंगर का केस रख देगा फिर उसे कोई कैसे गिरफ्तार करेगा। वैसे सरकार के आंकड़े कहते हैं जो बलात्कारी छूट जाते हैं उनमें से 50% दोबारा बलात्कार करते हैं, यानी बीते 10 बरस में यूपी के आंकड़े यूं ही हर दिन 2 रेप से बढ़कर हर दिन 13 रेप तक नहीं पहुंच गए, और देश में हर दिन 57 रेप से बढ़कर हर दिन 107 रेप तक नहीं पहुंच गए, बल्कि उसके पीछे पुलिस की कमजोर कार्रवाई रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल भी रहा होगा। रसूखदारों के लिए अलग कानून होता हो और जो खुले तौर पर यूपी में गांवों के थाने से लेकर लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर तक के जरिए बीते 48 घंटों में सामने आ चुका है। बहरहाल लेकिन आज तो उपवास का दिन था, राहुल गांधी रात में कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, जहन में उनके उन्नाव का ये हादसा त्रासदी भी रहेगी, कठुआ की भी रहेगी। लेकिन इस सियासत ने हमें क्या सिखला दिया? इस सियासत ने दरअसल बता दिया प्रधानमंत्री इस देश का ओबीसी है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी जनेऊदारी ब्राह्मण की है, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और सेंगर ठाकुर हैं। तो आइए जरा जातीय समीकरण के मद्देनजर, राजनीति आपने खूब देखी होगी लेकिन यूपी का खेल है क्या और ठाकुरई का मतलब यूपी की सियासत में क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लीजिए, क्या मैं आ जाऊं? ठीक। आधी रात को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर बलात्कार का आरोपी विधायक अगर ये बताए मैं भगोड़ा नहीं, और पुलिस अपनी एफआईआर में गैर जमानती पॉक्सो लगाकर बैठी और आरोपी हाथ मिलाकर लौट जाए, तो फिर पुलिस इंतजार कर रही है कि सुबह सत्ता कौन सा निर्देश देती है जिसके बाद पूरे देश के सामने कहें माननीय विधायक जी। हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो चार्ज एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं वो। तो ये कहने की जरूरत नहीं कानून सत्ता के इशारे पर काम करना शुरू करता है और सत्ता अपने बने रहने की मजबूरियों पर चलती है, और मजबूरी अगर अपराधी को बचाने की हो तो फिर कानून बेमानी हो जाता है। तो शायद कानून के राज से इधर रामराज यही है जो योगी राज है। तो लखनऊ पहुंचकर मुस्कुराइए या ना मुस्कुराइए, पर यूपी की सियासत का सच तो समझ लीजिए जो आरोपी विधायक की उंगलियों पर नाच रही है। मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करने आया हूं और अपने चैनल के साथियों से कहने आया हूं, जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लीजिए, क्या मैं आ जाऊं? सेंगर के ये तेवर ये समझने के लिए काफी है, ना उन्हें कानून की परवाह है ना पुलिस का डर, और यही सच भी है, और इस सच की वजह है ठाकुरों का वर्चस्व। सेंगर खुद ठाकुर है, योगी की सत्ता भी 54 बीजेपी ठाकुर विधायकों पर टिकी है, योगी खुद भी ठाकुर है, और यूपी में ठाकुरों का नेता जो होगा उसकी तूती बोलेगी, और नेता वही होगा जो ठाकुरों पर आंच आने ना दे। तो फिर यूपी में बीजेपी के पूर्व सीएम जो अब देश के गृह मंत्री हैं वह भी तो ठाकुर ही हैं, और सच यही 18 मार्च 2017 से पहले यानी योगी के सीएम बनने से पहले यूपी में ठाकुरों के सबसे बड़े नेता देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ही हुआ करते थे, पर योगी सीएम बने तो ठाकुरों के नेता वही हो गए, और इस कुर्सी को योगी गंवाना नहीं चाहते हैं। तो सेंगर
ठाकुर है, उनके पीछे ठाकुर विधायकों की पूरी जमात खड़ी है। तभी तो ठाकुर विधायक आरोपी ठाकुर विधायक के लिए ऐसी जुबा बोल रहे हैं जो कानून को ही ठेंगा दिखाती है। और बताए तीन 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 बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? नहीं, आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। पर संयोग ऐसा, जिस परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई, वह भी तो ठाकुर ही है। पर सवाल जब सत्ता और सड़क का होगा और दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर सत्ताधारी ठाकुर एक साथ हो जाएंगे और ठाकुर पीड़ित का अपना रोना होगा। अब सरकार से तो उम्मीद कम ही लगती है, चूंकि राजा भैया, आज मेरे को पता है कि राजा भैया से उनके अच्छे संबंध हैं, और ठाकुर लावी जो विधायक की ठाकुर लावी है, वो राजा भैया को बचाना चाहती है, चूंकि ठाकुरों का वर्चस्व है सरकार में। अब वो ठाकुर मिलकर कुछ भी करें, लेकिन ठाकुर हम भी हैं, हमको भी न्याय मिलेगा, हम कोर्ट से न्याय मिलेगा, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, विधायक जी बच नहीं सकते। यानी सिर्फ बीजेपी के ठाकुर विधायक ही नहीं, बल्कि निर्दलीय विधायक राजा भैया भी तो ठाकुर हैं, वह भी साथ खड़े हैं। तो कानून कैसे अपना काम करे जो बार बार टुकुर टुकुर सत्ता का इशारा चाहता है? और सत्ता को समझ में आ रहा है, यूपी चुनाव चाहे 2022 में हो पर अगले बरस ही लोकसभा चुनाव है, और यूपी में बीजेपी के 11 सांसद ठाकुर ही है। चौथी बार विधायक बने कुलदीप सिंह सेंगर इससे पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। कभी वे अमर सिंह के करीबी थे, लेकिन अब राजा भैया के नजदीकी बन चुके हैं। माना जा रहा है कि उनके पास 8 से 10 विधायकों का समर्थन है। इसी महीने विधान परिषद के चुनाव होने हैं, और ऐसे में इन नेताओं को साथ रखना योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक मजबूरी भी है। तो सत्ता के सामने कानून का राज ही नतमस्तक हो चला है। और अजूबा तो यह भी है कि योगी सरकार ने सीबीआई जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ा और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी। जहां गृह मंत्री को फैसला लेना है सीबीआई कब जांच शुरू करे, कब गिरफ्तार करे, जो खुद यूपी से आते हैं और ठाकुर हैं, तो होगा क्या? कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत की है। इंतजार कीजिए, जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। यह सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, हिंदुस्तान की बिसात पर किस तरह की परिस्थितियां सियासत ने पैदा कर दी, राजनीति ने पैदा कर दी, सत्ता के लिए पैदा कर दी गई। आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है? उच्च शिक्षा इस देश में नहीं पाई जा सकती है? ये सारे सवाल होंगे, हर जहन में होने चाहिए। तो हम इससे इतर चलते हैं, और इससे इतर अगला मसला ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान के भीतर उच्च शिक्षा मिलती नहीं है, और उच्च शिक्षा के लिए अगर सरकार चाहती है कि आपको 60,000 70,000 80,000 रुपए दे दे, फिर भी आप उस स्थिति में नहीं आ पाते हैं। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, जो उच्च शिक्षा में रिसर्च करना चाहता है उसमें 1,000 लोगों को हम लगभग 80,000 रुपए प्रति महीना देंगे। अब आप कल्पना कीजिए, भारत में 1,000 लड़के भी नहीं निकल कर आए। इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइए। ऐसे छात्र वहां जाते हैं बाहर, क्योंकि वहां अच्छा रिसर्च फैसिलिटी है, वहां गाइडेंस अच्छा है, और वहां स्कॉलरशिप अच्छी है। ब्रेन ड्रेन को बदल के ब्रेन गेन करने के लिए हम ये स्कीम लाए हैं। तो बजट में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के ऐलान के बाद सरकार ने दावा यही किया था, प्रतिभा पलायन को रोक देंगे, रिसर्च में छात्रों की दिलचस्पी बढ़ जाए। लेकिन सच यही कि सरकार की महत्वाकांक्षी फेलोशिप योजना फिलहाल छात्रों को रास नहीं आती दिखती। आलम यह है कि योजना के तहत हर बरस 1,000 छात्रों का चयन किया जाना था, लेकिन इस साल अभी तक 700 छात्रों ने भी आवेदन नहीं किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना के लिए 24 फरवरी से आवेदन लेने शुरू किए, अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई। छात्रों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो तारीख बढ़ा दी गई, 13 अप्रैल यानी कल तक की कर दी गई, और 1,000 छात्र शायद ही कल तक आवेदन कर पाए। वजह, उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों की दिलचस्पी शायद कुछ और। बेसिकली इसका रीजन ये है कि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर चुके होते हैं, दे नीड सम एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, इन द सेंस एक बार हर कोई अगर हायर स्टडीज जाने से पहले ये सोच रहा होता है क्यों ना मैं थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लेके देखूं, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू गेट इनटू हायर स्टडीज। पीएचडी के बाद इन लोगों की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ ये लोग जा सकते हैं,
अगर मुझे खाली पढ़ाना है तो मैं शायद नहीं जाऊंगा। तो जब तक ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ती नहीं है तब तक पीएडी प्रोग्राम का जो अट्रैक्शन है वो उतना बढ़ेगा नहीं। दरअसल इस योजना के तहत आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईएसआईआर जैसे शीर्ष संस्थानों से बीटेक, एमटेक करने वाले छात्रों को रिसर्च के लिए 5 साल तक 70 से 80 हजार रुपए प्रति माह तक का मानदेय देना और हर बरस 2 लाख रुपए के रिसर्च ग्रांट देने का प्रावधान रखा गया और योजना के तहत छात्रों को प्रति माह 70 हजार रुपए की धनराशि वजीफे के तौर पर दिए जाने की बात कही गई, जो चौथे और पांचवें वर्ष में 80 हजार रुपए प्रति महीने पहुंच जाती। बावजूद इन सबके रिसर्च में दिलचस्पी छात्रों ने नहीं दिखाई तो क्या सरकार छात्रों की नब्ज नहीं पकड़ पा रही, या उच्च शिक्षा के छात्र और ज्यादा सहूलियत चाहते हैं, या फिर उनके लिए रिसर्च का मतलब ही विदेश है, या फिर उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते इतना पैसा कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पर ग्रांट्स लेना इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पर ग्रांट्स बहुत आसानी से होते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से होती है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है चीज़ों की। यहाँ पर आप आई आई टी के अंदर ही जो आपके मशीन अवेलेबल है आपको उससे सब कुछ करना होता है, आप बाहर से कुछ नहीं होता है। वहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम इतने अच्छे नहीं है, प्रोफेसर्स लिमिटेड है, वहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ कॉन्फ्रेंसेज ज़्यादा है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। सरकार ने योजना का ऐलान तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन शायद सरकार देश के छात्रों की नब्ज नहीं टटोल पाई, क्योंकि देश के छात्रों की जो सोच है वो जो सरकार की सोच है उससे कुछ अलग ही नजर आ रही है। क्योंकि छात्र चाहते हैं कि पीएचडी अगर करनी भी है या रिसर्च करनी भी है तो वो कुछ वक्त के बाद की जाए, जबकि सरकार की कोशिश ये है कि कॉलेज से निकलते ही छात्र पीएचडी कर लें और उसके बाद में अपना भविष्य बनाएं। तो क्या माना जाए कि सरकार ने योजना का ऐलान तो किया लेकिन शायद उसके लिए जितना होमवर्क करने की जरूरत थी वो नहीं किया गया। बहरहाल इस साल स्कीम फ्लॉप दिख रही है, अलबत्ता सरकार को सोचना जरूर होगा बेहतर रिसर्च के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया कैसे जाए, और अगर इस स्कीम का प्रचार जरूरी है तो फिर प्रचार कैसे, ताकि कम से कम इतने छात्र तो आवेदन करें जितनी फेलोशिप है। एबीपी न्यूज के लिए अंकित गुप्ता। हम इस आंकड़े का जिक्र बार बार करते हैं, एक बार फिर कर देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार का बजट है 46 हजार करोड़, और उच्च शिक्षा के लिए हिंदुस्तान से जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो बेहद कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वो फीस के तौर पर दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज को देते हैं 1,20,000 करोड़। जिक्र बीकानेर का था, और क्या रिपोर्ट देखिए। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी नहर के आने तक देंगे। तो राजधानी दिल्ली में जब गाड़ियों पर ऑड इवन का नियम लगा तब जाकर देश ने जाना ऑड इवन का मतलब होता क्या है। पर वह तो दिल्ली की तस्वीर, गाड़ियों की तस्वीर, एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पर है ऑड इवन। ये तस्वीर बीकानेर की है, बीकानेर राजस्थान में आता है, लेकिन यहां पर उतनी गाड़ियां नहीं कि ऑड इवन लगा दिया जाए। यहां संकट पानी का है और पानी पर ऑड इवन लगा दिया गया है। जी ये तस्वीर देखिए, उसी पानी पर पहरेदारी की है। बिल्कुल ऑड नहीं है, ये बिल्कुल इवन ही है। ये सिर्फ याद रखने के लिए ऑड और इवन, जिससे कि तारीखें आपको याद ही रखनी पड़ेगी भैया। ये एक दिन छोड़कर एक दिन पानी जो है, और पहरेदारी का मतलब यह है कि ऑड इवन, आधे बीकानेर शहर में एक दिन पानी मिलेगा और बाकी आधे बीकानेर में दूसरे दिन पानी मिलेगा। यानी एक दिन एक बीकानेर खुश, दूसरे दिन दूसरा बीकानेर खुश, या फिर एक दिन एक को सूखा, दूसरे दिन दूसरे को सूखा। और यह सब कुछ कल से ही लागू होगा, यानी 13 अप्रैल से, और पानी पर लगा ऑड इवन 6 मई तक चलेगा, यानी अगले 24 दिन तक। और बीकानेर जिले की आबादी है 8 लाख, और ऑड इवन से हर कोई प्रभावित होगा। लेकिन सवाल है, अभी तो गर्मी प्रचंड है नहीं, फिर हालात ऐसे बने कैसे। दरअसल बीकानेर में पानी का स्टोरेज कम हो गया, आमतौर पर 35 दिन का स्टोरेज होता है पर 17 दिन का ही स्टोरेज बचा है, और इसकी वजह खुद अधिकारियों से सुन लीजिए। 29 मार्च से नहर की मरम्मत हरियाणा में और राजस्थान में हो रही है, तो इसलिए उन्होंने नहरबंदी की, और नहरबंदी लगभग 1999 से ही चल रही है और लगातार हर साल ही होती है। इस बार थोड़े उन्होंने दिन बढ़ा दिए, तो इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन पानी नहर के आने तक देंगे। दरअसल बीकानेर शहर को पानी इंदिरा गांधी नहर से मिलता है, नहर पंजाब के पांग डैम का पानी लाती है जो हरियाणा के रास्ते राजस्थान पहुंचता है।
और इन दिनों हरियाणा में मरम्मत चल रही है तो नहर बंदी है, जो पहले 21 अप्रैल तक तय थी पर अभी से बढ़ाकर 6 मई तक कर दी गई है। यानी बीकानेर के लोगों का गला अभी से सूखने लगा है। सिस्टम जो हमारे बीकानेर में लागू हो रहा है उससे मतलब क्या है कि पेयजल की किल्लत हो सकती है और बीकानेर की रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी दिक्कत हो सकती है। और आम आदमी पानी को लेकर पस्त, लेकिन सरकार दूसरी तरफ मस्त है। वसुंधरा सरकार ने घर घर पानी पहुंचाने के दावे के बड़े बड़े पोस्टर छपवा दिए और पोस्टर छपवाने में तो पानी लगता नहीं, पर यह भूल गई कि जो लिखा है पोस्टर में उसे पूरा तो करना होगा, पर वो भूल गई। कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कोंकण में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की। रिपोर्ट देखी शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने क्या लिखा जरा देख लीजिए। बहुत साफ लिखा, शिवसेना नानेर प्रोजेक्ट को बनने नहीं देगी। शिवसेना जनता के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने जनता से विश्वासघात किया है। उन्होंने खुद कहा था कि अगर जनता विरोध करेगी तो प्रोजेक्ट नहीं थोपा जाएगा, लेकिन उनके शब्दों की दिल्ली में कोई अहमियत नहीं है। ये भारत की पक्ष में है, महाराष्ट्र की जनता के हितों में है। महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ की एक निवेश निश्चित रूप में उस राज्य को ही सबसे ज्यादा लाभ देगा। महाराष्ट्र की अर्थनीति में, महाराष्ट्र की रोजगार की सिनेरियो में, महाराष्ट्र की औद्योगिकरण में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। मैं मानता हूं एक सर्वसम्मति में धीरे धीरे सब उसमें समर्थन करेंगे। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।